हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखा डिफेंस करियर। दोस्तों, इंडियन नेवी SSR MR की PFT सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है दोस्तों, और जो इंडियन नेवी SSR की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 23 दिसंबर को, और MR की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी में डेफिनेटली आ जाएगा दोस्तों। और मैं आज इस वीडियो पर इंडियन नेवी SSR MR की फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकता है दोस्तों, इनिशियल कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ कितना नंबर इंक्रीज होगा, और आपके कितना नंबर पर है तो आप सेफ जोन में रहेंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो नेवी एयरफोर्स पर पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी MR की जो रिटर्न एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ था रिजल्ट, वो 19 मार्च को अनाउंस हुआ था दोस्तों रिजल्ट, और सारे कैंडिडेट ने कमेंट किए थे कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया था। मैं सारा डाटा कलेक्ट करके आप लोग आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते कि 20 स्टेट का मैं कट ऑफ इनिशियल कट ऑफ किया गया था। आइए डिस्कस करते हैं पूरी तरह से। देखिए दोस्तों, जो MR की सेक्शन वाइज कट ऑफ इस बार गया था 5 मार्क्स दोनों सेक्शन में। अगर आप 10 मार्क गेन करते हैं तो आप पास हो जाएगी, लेकिन जो स्टेट वाइज कट ऑफ होता है वो डिफरेंस होता है दोस्तों। ये देखिए, जो UP का उत्तर प्रदेश का इनिशियल कट ऑफ गया था 31.25 दोस्तों, जी हाँ। और इसका जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से 33.75 या फिर 34 मार्क्स आपका है तो आप डेफिनेटली फाइनल मेरिट में आने के लिए पूरी तरह से चांस है दोस्तों। या देखिए, जो हरियाणा का इस बार कट ऑफ पूरी तरह से लो गया है दोस्तों। यह आप देख सकते हैं कि हरियाणा का इनिशियल कट ऑफ गया है 31.25 दोस्तों, और पिछली बार गया था 43 या 44 के करीब दोस्तों MR के हरियाणा की कट ऑफ गया था दोस्तों। लेकिन इस बार जो हरियाणा का कट ऑफ गया था इनिशियली 33.25 गया था, और मेरे हिसाब से जो हरियाणा का फाइनल मेरिट में आने के लिए चांस होगा, अगर आप 35 या 36 मार्क्स आपका पास है तो आप डेफिनेटली फाइनल मेरिट में आ सकते हैं दोस्तों। और बात करूँ वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो इनिशियल कट ऑफ गया था 23.50, और इसका जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 25 या फिर 25.75 जा सकता है दोस्तों। और राजस्थान की इनिशियल कट ऑफ गया था MR की 35.50 गया था, और इसके जो फाइनल कट ऑफ से जा सकता है मेरे हिसाब से 37.50 या फिर 37.75 जा सकता है दोस्तों। और इस बार जो बिहार की इनिशियल कट ऑफ गया था 34.5 गया था दोस्तों इनिशियल कट ऑफ, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से 36.50 जा सकता है दोस्तों फाइनल कट ऑफ। गुजरात की इनिशियल कट ऑफ गया था 19.25, और इसका जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 21.75 या फिर 22 मार्क्स जा सकता है दोस्तों। और उड़ीसा का जो इनिशियल कट ऑफ गया था 23.50 गया था, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 25 करीब जा सकता है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश का इनिशियल कट ऑफ गया था 22.25 गया था इनिशियल, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से 24.50 या फिर 24.75 जा सकता है दोस्तों। और MP मध्य प्रदेश का इनिशियल कट ऑफ गया था 31.25, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 34 करीब जा सकता है दोस्तों। आसाम का गया था इनिशियल कट ऑफ 15.75, और इसका जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 17 या फिर 18 करीब जा सकता है दोस्तों। और जो उत्तराखंड की इनिशियल कट ऑफ गया था 24.50, और इसका जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 26.50 या फिर 26.75 जा सकता है दोस्तों। और महाराष्ट्र के इनिशियल कट ऑफ गया था नेवी MR का 21.25 गया था इनिशियल कट ऑफ इस बार, और जो पिछली बार ही तरफ से गया था दोस्तों, और इस बार जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 23.25 या फिर 23.50 जा सकता है। और पंजाब का इनिशियल कट ऑफ गया था 18 इस बार, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 20 या फिर 20.50 जा सकता है दोस्तों। दिल्ली का इनिशियल कट ऑफ गया था MR के लिए 27.75 गया था, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है 29.75 या फिर 30 मार्क्स जा सकता है दोस्तों। कर्नाटक का की इनिशियल कट ऑफ गया था नेवी MR के लिए 20.25 गया था, और जो फाइनल कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से 23 या फिर 24
जा सकता है दोस्तों। मणिपुर का इनिशियल कट ऑफ हुआ था 20.50 और जो इसका फाइनल कट ऑफ जा सकता है 23 या फिर 24 या जा सकता है दोस्तों। और तेलंगाना स्टेट की इनिशियल कट ऑफ गया था 28.50 और जो मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जा सकता है आपका जा सकता है 31 या फिर 30.75 जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं लगभग सारे स्टेट का इनिशियल कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है मैं बताया। अगर आप कुछ कुछ स्टेट बच गया तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं कुछ देखिए दोस्तों अगर आप इनिशियल कट ऑफ से लगभग 2 से 3 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 4 मार्क्स इंक्रीज होता है दोस्तों फाइनल कट ऑफ में। अगर इस बार तो मार्क्स वो लोग नहीं दिखा रहे लेकिन जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा वो सारे कैंडिडेट के मार्क्स शो करेंगे दोस्तों। अगर आप कितना स्कोर करें वो आपको खुद ही पता होगा दोस्तों। अगर आप इतना स्कोर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।